हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग। आज हम आपको दिखाने वाले हैं हरी कृष्णा एक्सपोर्ट, जो सूरत में है। हम सूरत में हैं और आपको हीरे ना दिखाए ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम जाने वाले हैं हरी कृष्णा में, जिसको HK के नाम से भी जाना जाता है। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1992 में सौजी भाई ढोलकिया ने अपने 3 ब्रदर्स के साथ, थोड़े से मशीन्स एंड एम्प्लॉइज़ के साथ ही इसकी शुरुआत की थी। और आज इंडिया के टॉप मैन्युफैक्चरिंग जो डायमंड है कंपनीज, उसमें से एक है। एंड आप लोगों ने न्यूज़ तो देखे ही होंगे, एवरी ईयर दिवाली पे ये लोग बोनस में अपने एम्प्लॉइज़ को गाड़ियाँ देते हैं, डायमंड ज्वेलरी सेट देते हैं एंड फ्लैट्स देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी कंपनी है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि हमें यहाँ पे कितने सारे डिफरेंट टाइप्स के डायमंड्स देखने को मिलेंगे। सो आई होप कि आप सब भी इंजॉय कीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। और 2005 में हरी कृष्णा ने अपनी एक और ज्वेलरी ब्रांड को लॉन्च किया था, जिसका नाम है कृष्णा। एंड इस कंपनी की जो हमें सबसे अच्छी बात लगी वो है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ का बहुत ही ध्यान रखते हैं, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालते। एंड हम पिंटू भाई ढोलकिया से भी मिले थे पर्सनली, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। एंड जो दूसरे सारे लोग थे उन्होंने भी हमें बहुत सब कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो पिंटू भाई ढोलकिया ने बोला कि जो हमारे यहाँ हीरे पॉलिश करते हैं, हम उन लोगों को जैसे एक आर्टिस्ट बोलते हैं, डायमंड आर्टिस्ट। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो इतने रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपने वर्कर्स को भी, सारे वर्कर्स को। एंड यहाँ इनसाइड पूरी ये फैक्ट्री में यहाँ पे कोई जैसे गुटखा तंबाकू वो अलाउड नहीं है। तो ये अपने वर्कर्स का बहुत ही ध्यान रखते हैं एंड उसके फैमिलीज़ के लिए भी यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट्स होती है या कुछ भी प्लेग्राउंड यहाँ पे है सब, तो सारी इवेंट्स यहाँ पे की जाती है। सो दे आर लाइक अ फैमिली। ये आप जो अभी देख रहे हो वो रो डायमंड है, जो ज़मीन से निकलते हैं डायमंड्स, और स्पेशली आउटसाइड कंट्री से ज़्यादातर ये लेके आते हैं। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे सारे एम्प्लॉइज़ जो रो डायमंड होते हैं उनका पूरा प्लानिंग करना है, करते हैं कि इसको कैसे बनाना है, क्या करना है, सब कुछ वो कंप्यूटर में उसकी 3D जो ग्राफिक करके उसमें पूरा बस प्लानिंग ही करना है कि इसमें से कैसा डायमंड बनेगा एंड इसकी प्राइस क्या होगी। ये रो डायमंड है। अभी तो हाथ में इसकी कुछ वैल्यू नहीं लगती, लेकिन ये जब ये पॉलिश होगा तब पता चलेगा। चलो फ्रेंड्स, ये डायमंड जो अभी नहीं लग रहा है डायमंड जैसा, जैसे शुगर का कोई बड़ा सा वो है, वैसा लग रहा है। शुगर कैंडी जो होती है वो सिमिलर, ये भाई साहब ने बताया था कि ये शुगर कैंडी जैसा ही दिखेगा। देख के ऐसा लगता है इसकी 5-10 रुपये में भी इसकी कीमत होगी, लेकिन इसकी कितनी हो सकती है तो बहुत ज्यादा होती है। इससे 10 कैरेट ऑफ रफ डायमंड, गोपाल भाई ने खबर से भेजी है, 10 कैरेट ऑफ रफ डायमंड है। तो इसकी कीमत इट विल बी कैलकुलेटेड इन डॉलर्स। देखते हैं, जो हमें लगता है कि ये 5-10 रुपए का डायमंड है, देखने में उसकी कीमत कितनी ज्यादा होगी। आई थिंक इट्स 3 करोड़ और 4 करोड़। 41 इसकी कीमत 1 करोड़ 40 लाख होने वाली है जब ये डायमंड पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये डायमंड का जो मैजिक। यस, यू वांट टू सी। Yeah.
ડાયમંડની અંદર છે ને ચાર ફેસ હોય, એક ટેબલ હોય ઉપરથી જે દેખાય ને, પછી ક્રાઉન હોય આ જેનું માથું દેખાય છે ને મથાળું, એનું તળિયું છે નીચે, તળિયાથી આવો લાગે કોન્સેપ્ટ. હા, અને આ બધી જ વસ્તુ એને સિંગલ સિંગલ મેન્યુઅલ આ રીતે ઘસવાની. આ ભાઈ છે ને આ કામ કરે છે ઉપરનું, આ જે સાઈડનું દેખાય છે ને ક્રાઉન, તમે રિંગ પહેરી હોય ને તો ઉપર આવે, ઉપર આવે બસ, નારિયેળી ઘરે રહી ગઈ એમાં છે. આ જે છે ને તળિયાનો ભાગ છે એ રિંગની અંદર જતો રહે. અહીંયા ઓવલ શેપનો આ ડાયમંડ છે, જુઓ કેટલા વજન છે. તો યે હૈ સબસે હાર્ડેસ્ટ પાર્ટ, પ્લાનિંગ ઓર સબ હો ગયા. ઇસકે બાદ લાસ્ટ મેં જો હમ ઓલવેઝ બોલતે કે સુરત મેં હીરા કસને કે લીએ જાતે હૈ લોગ, તો યે જિસમે બહુત હી જ્યાદા સ્કિલ્સ કી જરૂરત હોતી હૈ, બહુત કેરફુલ રહેના પડતા હૈ. એમ્પ્લોય કી છોટી સી મિસ્ટેક સે ડાયમંડ કી પૂરી જો પ્રાઇસ હોતી હૈ વો ચેન્જ હો જાતી હૈ. એન્ડ યહાં ફર્સ્ટ ટાઈમ ગર્લ્સ કો ભી ચાન્સ દિયા ગયા હૈ, તો વો બહુત હી બડી બાત હૈ વુમન એમ્પાવરમેન્ટ કે લીએ, કી જો ડાયમંડ મેં ઓલવેઝ આજ તક જો મેન્સ હી કામ કરતે આયે હૈ ઉસમે અબ ગર્લ્સ ભી કર રહી હૈ, તો યે બહુત હી એક અચ્છા એક્ઝામ્પલ સેટ કિયા હૈ હરી કૃષ્ણા ને. Yes, you can see this 37 legs. इसकी प्राइस है जो जिसको 40 दिन लगे हैं रेडी होने में यहाँ तक सारी प्रोसेस से निकल के, तो ये बहुत हार्ड वर्क है डायमंड एक रेडी होने में. ओके, यस.